हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। आज मैं वीडियो आप लोग को हेयर कटिंग का शेयर करूँगी कि छोटे बेबी का एक्स्ट्रा हेयर कैसे रिमूव करें, कैसे एक अच्छा प्रॉपर शेप दे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देख कर आपको हेयर कटिंग करना काफ़ी अच्छे से आप सीख जाएंगे। अगर आप घर पर अपने बेबी का हेयर कटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर भी आप अच्छे से हेयर कटिंग कर लेंगी। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी बेबी है जिनका मैं हेयर कटिंग कर रही हूं, और इनके हेयर को मैं बस सेफ में लूँगी, ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी, शॉर्ट नहीं करूँगी। तो आपको क्या करना है, बाल को दो भागों में डिवाइड कर लेना है। आगे के बाल जो होते हैं आगे की तरफ कर लेना है, और पीछे के बाल जो होते हैं पीछे की तरफ कर लेना है। अच्छी तरीके से गीला करना है, उसके बाद कोम करना है, उसके बाद दो भागों में बाल को डिवाइड कर लेना है। आप दो भागों में डिवाइड कर लेंगे आप अच्छी तरीके से। और ये वीडियो मैं खुद से बना रही हूँ, कोई नहीं था स्टैंड लगा के, तो शायद इसमें मैं पूरा आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप लोग देखने की समझने की कोशिश करिएगा। मैं पूरे डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, पर क्या है कि कोई ना रहने की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दो भागों में बाल को डिवाइड करके अच्छे से कोम करेंगे, और बाल को ग्रिप बनाएंगे, थोड़े थोड़े बाल को अपने फिंगर में लेंगे। तो इस तरीके से बाल को फिंगर में लेंगे, और जितना कट करना है, जितना एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप कट कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इनको थोड़े से इनके बाल बड़े करने हैं मुझे अपने बच्चे का। तो मैं बहुत हल्का सा एक शेप दे रही हूँ, क्योंकि बढ़े हुए बाल बहुत ख़राब लगते हैं और बहुत अजीब से दिखते हैं फेस पे, तो इसलिए शेप देना बहुत ज़रूरी होता है हेयर को। जब तक शेप नहीं देंगे तो बाल भी नहीं बढ़ते और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो आपको बच्चे को गर्दन को उठा के हल्का सा झुकाने के लिए बोलेंगे, और दो फिंगर में ग्रिप बना के हेयर को जितना आपके एक्स्ट्रा हेयर है उनको रिमूव कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरे बाल जो पीछे के हैं उनको कट कर देने हैं। तो इस तरीके से सारे बाल कट गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर रिमूव हो गए हैं। अब उसके बाद हमको इनको प्रॉपर एक इक्वल शेप देना है। इक्वल शेप देने के लिए आपको क्या करना है, कोम करना है, सर को ऐसे उठाना है, आगे एक तरफ झुकाना है, कोम करना है। तो यहाँ से देखिए हमको पता चलेगा कि कहाँ छोटे बड़े हेयर्स हैं, उनको इस तरीके से गोलाई भाग में ले जाके कान के पास तक आप एक गोला शेप देंगे, जिससे हमारे मतलब बेबी के जो हेयर्स होते हैं देखने में अच्छे दिखेंगे। अगर आप गोला शेप देना चाहते हैं गोला शेप भी दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, जैसा आप फेस के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, या फिर जैसा देखने में आपको अच्छा लगे, या जैसा आपको चाहिए। और इस तरीके से आपको जो है कंघी से या अच्छी तरीके से कोम कर करके इक्वल कर देना है। मैंने पीछे के हेयर्स इक्वल कर लिए हैं, और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे के हेयर्स कट चुके हैं, अब आगे की तरफ अच्छी तरीके से सीधे एकदम बाल को कोम करेंगे, और जितने छोटे करने हैं बस उतने ही हेयर जो है कट करेंगे हम, उससे थोड़े से छोटे ही कट करेंगे। जितने हेयर कट करना है उससे थोड़े से छोटे ही कट करेंगे। तो उस तरफ के नहीं दिख रहे होंगे, आई होप आप लोग को, तो इधर देख सकते हैं आप लोग। और बेबी से बोलना है अपने आँखों को बंद करेंगे, और यहाँ कान के पास आपको चढ़ाना नहीं है, इक्वल बराबर कट कर लेना है, ताकि आपके जो हेयर्स हैं गोले में ही राउंड शेप में रहें और देखने पे अच्छा लगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो बॉय कट में आ जाते हैं, बेबी कट करना है आपको। और बच्चे हैं इनके फेस पे बाल गिरता है तो बहुत ज़्यादा उन लोग को उलझन महसूस होती है, रोने लगते हैं, तो इसलिए बच्चों को सावधानी से आप बाल कट करें, और उनके जो फेस पे बाल गिरे उनको तुरंत शार्प करते हुए जाएं, ताकि बच्चे परेशान ना हो, नहीं तो कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और हेयर कटाते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोम करने के बाद दबा के इस तरीके से कट करेंगे, तो यहाँ के जो हेयर्स होते हैं इक्वल कट जाएंगे,
अगर आप यहाँ पे फिंगर नहीं रखेंगे तो हेयर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हेयर सही नहीं है, इस तरीके से कोम करके अपने फिंगर से दबा करके और बराबर इक्वल कर लेंगे। आपको अच्छी तरीके से कोम करते हुए जाना है, अपने हेयर्स को देखना है कि कहीं छोटा बड़ा तो छोटा नहीं है, और जहाँ भी आपको लग रहा है वहाँ पे कोम कर करके अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आप अच्छी तरीके से कोम कर करके सेट करेंगे हेयर को, ताकि आपके छोटे बड़े हेयर्स नहीं छूटे। और उसके बाद आप इतना कटिंग करने के बाद आप बाल को बगल से जो है राउंड शेप करके अच्छे से कोम करेंगे, उसके बाद फिर चेकिंग करेंगे कि इधर करने के बाद भी बाल छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर इक्वल हो रहे हैं, वैसे नहीं होते हैं, अगर कभी हो जाते हैं बाई चांस आपको कटिंग में दिक्कत हो तो आप उसको इक्वल कर दें। और इस तरीके से फाइनल रिजल्ट है हेयर कटिंग की। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। और कुछ समय से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरी मोबाइल थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्या पता क्या इशू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम